एनालिसिस करेंगे कल के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब चैनल में हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, ब्लॉग है www.blogspot.com और ये हमारा फेसबुक पेज है हेजिंग स्टडीज ऑफ अभिनव भंडारी, यहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @hedging, व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। देखिए ब्लॉग है हमारा, यहाँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को जानने के लिए मिलेगा और लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ मिलती रहती है आपको। ये देखिए ये आज इसमें आया है टारगेट 2140 का और ये टारगेट मैं आपको दे चुका था कब, कल दे चुका था कि मेरे को 2150 दिख रहा है। और ये कुछ लिंक्स हैं जिनका आप यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ है, न्यूज़ भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर जुड़िए, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हम डालते रहते हैं। सुबह भी हमने बोला था कि बाय का था, लेकिन हमने यहाँ पर जब हमने यहाँ देखा 907 को जब इसने क्रॉस करा तो यहाँ पर डाउन बाय करके हमने लिख के भेज दिया। उसके बाद से कितना बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद निफ्टी में आपने देखा ही और काफ़ी लोग बच गए, बाय नहीं करा जिसने, और हमने भी काफ़ी अपने शॉर्ट पोजिशन स्क्वायर ऑफ करी है। थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजिशन बचा है, वो भी हम कल शायद कल या परसों में निकाल देंगे। अब हमने क्या करना है, निफ्टी के ऑप्शन चेंज एनालाइज करने हैं। उसके हम निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं पहले। ये देखिए ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट में। ये देखिए निफ्टी ने यहाँ सेल सिग्नल दिया है हमें 12,121.22 के आसपास। उसके बाद से देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ सेल सिग्नल, ये दिख रहा है ये सेल सिग्नल यहाँ से। उसके बाद से कितना अच्छा नीचे की तरफ आया है, 850 के आसपास तक आ चुका है। ये 15 मिनट का चार्ट था, डेली चार्ट पे भी एक बार मैं दिखाया था आपको निफ्टी। ये देखिए डेली चार्ट पे भी सेल ही बना हुआ है, सेल डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो ये बना है 217 के आसपास, 12,200 से सेल बना है। उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ भी ऊपर गया था, तब भी मैंने बोला था कि अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लेके करना, इस लेवल पे भी गया था। और देखिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कितना अच्छा दे रहा है नीचे की तरफ। अब मेरे को लगता है ये वाला जो लेवल है, एक बार इस लेवल को टच करने के लिए निफ्टी को आना चाहिए 677। क्या दिया, 677 ये लेवल पे आना चाहिए। आज जो क्लोजिंग दिया है 829 का क्लोजिंग दिया है निफ्टी स्पॉट ने, और मेरे को लगता है 11,677 ये लेवल आना चाहिए निफ्टी का चार्ट के हिसाब से। लेकिन हम ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन में चलते हैं पहले। इस ऑप्शन चेन को मैं वेट में ले लेता हूँ, थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहेगा। चलिए आ जाते हैं 829 मीन्स हम आ जाते हैं 850 के आसपास। यहाँ देख लेते हैं पहले 850 के आसपास क्या है। ये कॉल साइड में अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 5 लाख। ठीक है, हम चले आते हैं यहाँ पर। यहाँ जो है अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, यहाँ कॉल राइटिंग है, यहाँ देखोगे इधर कॉल राइटिंग है, यहाँ पर 33 के 34 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है 12,000 में, 950 में कॉल राइटिंग है, यहाँ पर 20 लाख का कॉल राइटिंग है 11,900 में, यहाँ पर 5,63,000, यहाँ पर 3,68,000 कॉल राइटिंग है, यहाँ भी थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग है, 5,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है 11,700 में। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 11,677 कॉल साइड में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है डेटा बिल्कुल भी। पुट्स की साइड भी एक बार देखेंगे, पुट्स की साइड का डेटा देखने के लिए हम चलते हैं इधर 11,850 के पास में देखते हैं। देखिए फ्रेश बाइंग है, यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग है, ये सब फ्रेश बाइंग है। कहाँ तक नीचे 11,500, 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,500 में। देखिए 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 11,500 के कॉल में, 11,600 में 21 लाख, 27 लाख, 30 लाख। देखिए मेरे को खराब लग रहा है बाजार, अच्छा खासा खराब दिख रहा है। अभी हम इस लेवल पर हैं 11,829, यहाँ पर है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है ये 11,677,
पहला लेवल ये आएगा 11,670, 27 लाख, इधर 22 लाख, 677। हाँ तो 677 के बाद 610 तक पकड़ेंगे हम, 11,610 नहीं 607 करेंगे इसे। सात लकी नंबर है हमारा, इसलिए हम 7 कर देते हैं यहाँ पर। 11,607, 11,607। देखिए लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ये जो लेवल है बहुत जल्दी आ जाएगा 11,607 का लेवल। और आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कल भी शॉर्ट करना पसंद करूँगा, मेरी थोड़ी बहुत पोजिशन शॉर्ट में भी है, तो उसे मैं कैरी करूँगा 11,607 तक, 11,607 तक शॉर्ट करूँगा। और देखिए मैंने आज आपको एक यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा था 70% शॉर्ट पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करने के बाद फ्रेश बाइंग स्टार्ट करने का, लेकिन 11,907 तक का हमारा वेटिंग था। ये लेवल आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके जब इसने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिया अच्छा खासा, यहाँ देखिए 11,907.70 का लो लगाया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके जो सेलिंग प्रेशर है मैंने यहाँ पे लिख के भेज दिया आपको, 11,900 अगर तोड़ता है तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि 11,900 का बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट था, 11,900 का सपोर्ट जो था, 11,900 के सपोर्ट को यहाँ से ऊपर लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मैंने आपको लिख के भेज दिया था यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में। डोंट बाय एनीथिंग नाउ, कुछ भी बाय नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद देखो सेलिंग का जो प्रेशर आया कितना अच्छा नीचे आया, फिर जिन्होंने बाय करा होगा तो फंस गए होंगे, लेकिन जिन्होंने मैसेज देख के थोड़ा सा रुके होंगे, बाय नहीं करा होगा, तो उन्होंने थोड़ा बेनिफिट लिया होगा। क्या बेनिफिट, कि लॉस नहीं करा होगा एटलीस्ट। ओके तभी मैं बोलता हूँ आपसे हेजिंग स्टडी चैनल में जरूर जुड़िए, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स हम डालते रहते हैं जिसका आप थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकें। हीरो मोटो देखो 2250 से 2195 आया, क्लोजिंग 2173 का क्लोजिंग दिया हीरो मोटो ने। ओके आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑप्शन सीखने जाते हैं यहाँ पे, ऑप्शन की बहुत सी स्टडीज आपको मिलेंगी जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और बाकी मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9699646408 में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके धन्यवाद।